दोस्तों, अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो आपके लिए आपका यूएन नंबर एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि किस तरह आप अपना यूएन नंबर एक्टिवेट कर सकते हैं और उसके बाद आपको अपना अकाउंट खोलने के बाद क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ, जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना है, तभी आप अपना यूएन एक्टिवेट कर पाएंगे और साथ में ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो पाएगी कि पीएफ के अकाउंट में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉम्पोनेंट है जिसके अंदर आपको अपने पीएफ की वेबसाइट पे जाना है। तो इसके लिए अगर मैं आपको जीरो से बताऊं तो आपको सबसे पहले मेंबर होम नाम से एक वेबसाइट खोलनी पड़ेगी। अगर आप फोन में खोलेंगे तो आपको ऐसे टाइप करना होगा मेंबर होम। मेंबर होम टाइप करने पे आपके पास ये वेबसाइट खोल के आएगी। इस वेबसाइट को कहा जाता है मेंबर होम और इसी पे आपको अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करना है, या अगर कभी फॉर्म भरना है तो इसी वाली वेबसाइट पे आपको भरना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ यूएन नंबर और पासवर्ड है। हमारा मेन पर्पस आज का ये है कि हमें यूएन नंबर और पासवर्ड मिल जाए ताकि हम अपना पीएफ अकाउंट साइन इन कर सके। तो आपको अपना एक्टिवेट करने के लिए ये समझना है कि हम जो ये एक्टिवेट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। एक्टिवेट का मतलब ये है कि जब भी आप जॉब करते हो तो वहाँ आपको 12 डिजिट का यूएन नंबर मिलता है, आपको एक्टिवेट करना होगा और एक्टिवेट करने के लिए आपके पास यही वाली वेबसाइट है। तो आपको एक्टिवेशन करने से पहले सबसे पहले ये देखना है कि क्या आपने पहले कभी एक्टिवेट किया है या नहीं किया है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने कभी एक्टिवेट किया हो या आपके फ्रेंड ने कभी चेक करने के लिए उसे ओपन करने की कोशिश की हो। तो आपको सीधे एक्टिवेट पे नहीं जाना है। जो आप इंपॉर्टेंट लिंक्स देख रहे हैं यहाँ पे एक्टिवेट यूएन है, आपको सीधे इस पे नहीं जाना है। सबसे पहले आपको फॉरगेट पासवर्ड पे जाना है। जो आपको 12 डिजिट का यूएन नंबर मिला है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। यहाँ पे आपको लिखा आएगा कि आपका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं है। जब आपको ऐसा लिखा हुआ आ जाए यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे नीचे जाना है एक्टिवेट यूएन पे। मैं ये सारा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, पहले मैं ओवरऑल एक पिक्चर क्लियर कर रहा हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको इस यूएन एक्टिवेट करने के लिए। क्या आपको इसमें किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, क्या इसमें कंपनी की कोई हेल्प लगेगी, तो ये सब चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ, फिर प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पेज है इसे बोला जाता है यूएन एक्टिवेशन का पेज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंडेटरी हैं जो आपको दिखाई जा रही हैं। यहाँ पे ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट भरनी है, जिसमें आपका सबसे पहले यूएन नंबर, ऑफकोर्स ये हमारा 12 डिजिट का यूएन नंबर हमें डालना है, आधार नंबर होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड का नंबर, ठीक है, आपका नाम जो एज पर आप आधार कार्ड डाल रहे हैं वो, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर कौन सा, वही मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में लिंक है, और उसके बाद लास्ट में, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको जो कैप्चा कोड यहाँ दिया हुआ है वो भरना है। अगर इसे आप रिफ्रेश करना चाहें तो आप ये समझिएगा कि आप यहाँ रिफ्रेश कर सकते हैं। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे 2 डिजिट कैपिटल होंगे और बाकी सभी स्मॉल होंगे। जैसे इस केस में यहाँ डी और एम कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। तो कन्फ्यूजन्स होती हैं, मुझे पता है आपको कन्फ्यूजन्स होती हैं, इसलिए ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। फिर आप आई एग्री करके गेट ओटीपी करेंगे, ठीक है, ये हम सारी चीज़ें जानेंगे। मैं पहले आपको थ्योरी क्लियर कर दूँ। अब इसमें समझिएगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकती है। आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपका आधार कार्ड लिंक ना हो, अगर आपका आधार कार्ड आपके यूएन नंबर से लिंक ना हो। जैसे मान लो आपका यूएन नंबर जो है वो 5-6 साल पहले बना हुआ है, लेकिन आपने कभी उसको ओपन करके नहीं देखा, तो हो सकता है कि 5-6 साल पहले के यूएन में आपका आधार कार्ड अभी लिंक ना हो। अगर लिंक नहीं होगा तो ये यूएन एक्टिवेट आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ वगैरह मिसमैच होगा तो भी आप एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम अब सारा प्रोसेस जान चुके हैं, तो अब हम सीधे चलते हैं, हम देखते हैं कि इसे हम कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस का एक वीडियो दिखा रहा हूँ जो मैंने ही रिकॉर्ड किया है, और इसमें हम जीरो से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग में हम जब चल रहे हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या करना है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आ रहे हैं, फिर आप फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हैं। फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद आपने यहाँ यूएन नंबर डाला, कैप्चा कोड डाला। जब आप कैप्चा कोड डाल रहे हैं तो आपको यहाँ दिख रहा है कि आपका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं है, ठीक है, ये स्टेप पहले करना है। अगर इस जगह पे आपको कहा जाएगा कि आपका यूएन नंबर एक्टिवेटेड है तो यहाँ आपको आगे पेज खुल जाएगा। आगे पेज खुल जाएगा तो आप क्या करेंगे, अपना नाम डालेंगे, अपना आधार कार्ड, सब चीज़ें डालेंगे और आप अपना न्यू पासवर्ड बना लेंगे, ठीक है।
तो ये प्रोसेस कम्प्लीटली डिफरेंट है। आपको यहाँ एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर आगे खुल जाता है तो बस आपको अपना फॉरगेट पासवर्ड एक तरह से कर रहे हैं, आपका नया पासवर्ड बन जाएगा। क्या हम ये एक्टिवेट ना करें तो हमारी कंपनी को पता नहीं लगेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ एक्टिवेट नहीं करते हैं तो भी आने वाली न्यू कंपनी को आपका यूएन नंबर पता लग जाएगा। तो एक्टिवेट करना या ना करना, इससे आपके पीएफ अकाउंट का ट्रेसेबल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ही डिफरेंट है कि अगर आप एक्टिवेट नहीं करेंगे तो आप अपनी सर्विस वगैरह कुछ भी ओपन करके नहीं देख पाएंगे। तो हर मेंबर को एक्टिवेट तो करना ही चाहिए, इस डर से नहीं रखना चाहिए कि हमारे आने वाली आगे वाली कंपनी इसे देख लेगी। तो देख तो वैसे भी लेगी, इसलिए आपको ज़रूर से ज़रूर एक्टिवेट करना चाहिए। यहाँ आपने देख लिया एक्टिवेट नहीं है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्टिवेट यूएन पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर डाल रहे हैं। फिर हमने अपना आधार नंबर डाल दिया, जो आधार के जो डिजिट्स होती हैं वो डाल दिया। फिर आपका नाम जो है वो आपको प्रॉपर वैसा नाम डालना है जो आपके आधार कार्ड में है, मिस्टर या श्री ऐसा कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, कैप्चा कोड डाल दिया। ये सब करने के बाद आई एग्री किया। आई एग्री के बाद आपको जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर OTP चला गया है। तो यहाँ पे बस इतना सा ही स्टेप है कि यहाँ जैसे ही आप अपना OTP एंटर करेंगे वैसे ही आपका यूएन नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। इतना सिंपल सा है। तो ये होने के लिए तो सिर्फ 2 मिनट का प्रोसेस था, लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर करी हैं कि कैसे कैसे करेंगे। तो इस स्टेप तक हमारा यूएन एक्टिवेट हो गया है। अब आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पे यूएन नंबर लिखा आएगा और एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड नज़र आएगा आपको। तो सिस्टम जनरेटेड जो पासवर्ड है वो कुछ एक्स्ट्रा ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो आप वो पासवर्ड देख लेंगे और उस पासवर्ड को फिर आपको यहाँ पे यूज़ करना है। वो कैसे करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, चाहे तो फॉरगेट पासवर्ड करिए या फिर जो कॉम्प्लेक्स वाला पासवर्ड आया है वो आप यहाँ एंटर करिए, ठीक है। तो उसमें डिजिट्स कुछ कॉम्प्लेक्स होती हैं, जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से नेक्स्ट पेज जो खुलेगा वो ये कहेगा कि जो आपका अभी सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आया है वो डालिए और जो आप नया पासवर्ड बनाना चाहें अपनी सुविधा के हिसाब से वो आप बना सकते हैं। जैसे मैं यूजुअली जो समझता हूँ तो मैं इस तरह से समझता हूँ कि name@123 बना लेना बहुत ईजी रहता है। तो आप ऐसा ही पासवर्ड बनाइए जो आप भूले ना। अगर आप भूलोगे बार बार तो आपको बार बार एक लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपना ओल्ड पासवर्ड डाल रहे हैं जो हमें सूटेबल है, हम वो अपना पासवर्ड बना रहे हैं। उसके बाद हम नीचे चल के आधार OTP डाल रहे हैं। आधार OTP डाल के जो हमारा आधार OTP है, जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे ये कहता है कि आपका पासवर्ड सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया है। उसके बाद क्लिक हेयर कीजिए लॉगिन करने के लिए। तो अब हमें क्या करना है, अब हम सिंपल सा अपना लॉगिन करेंगे। जो भी आपका फ़ोन हो या आपका मोबाइल हो या आपका लैपटॉप हो, आप उसमें अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सेव कर दिया है ताकि मुझे बार बार एंटर ना करना पड़े। आपका पर्सनल कंप्यूटर है तो आप ये काम ज़रूर कर सकते हैं कि आप अपना पासवर्ड वगैरह सेव कर लें। इसके बाद जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं अब आपको इंटरफेस समझा रहा हूँ। इंटरफेस में जो सबसे शुरुआती इंटरफेस है उसे बोला जाता है मेंबर प्रोफाइल। मेंबर प्रोफाइल में आपकी बेसिक डिटेल्स आ रही है और साथ में ही जब आप प्रोफाइल इंफॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे आपके 3 कंपोनेंट देखे जाते हैं, जिसे KYC कहा जाता है। जैसे आप बैंक वगैरह में करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी है, आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड और तीसरा बैंक अकाउंट। तो आपका आधार कार्ड तो ऑटोमेटिक लिंक होगा ही, तभी आपका ये ओपन हुआ है। अगर आधार लिंक नहीं होता तो आपका ये एक्टिवेट ही नहीं होता। अब हमें क्या अपडेट करना है, अब हमें पैन और बैंक अपडेट करना है। तो ये हम अपने प्रोफाइल में देख रहे हैं कि क्या हमारा ये चीज़ अपडेट करी हुई है या नहीं करी हुई है। तो हम जैसे इसे टच कर रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारा आधार कार्ड वेरीफाई है लेकिन पैन कार्ड और बैंक जो है वो नॉट अवेलेबल है। तो नॉट अवेलेबल हम समझ गए। अब हमें और भी चीज़ें प्रोफाइल में देखनी होती हैं जो आपको मैं आगे बता रहा हूँ। ध्यान से आप वीडियो देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें इस पूरे प्रोफाइल को। फिर आपको सबसे पहले ये देखने के बाद फिर आप चलेंगे सर्विस हिस्ट्री पे। सर्विस हिस्ट्री पे जब आप टच करेंगे तो जहाँ जहाँ आपने सभी सर्विसेज करी हैं वो सब यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। यहाँ आप देख सकते हैं फिलहाल इस मेंबर की सिर्फ एक ही सर्विस है। इस सर्विस को आप ऐसे पढ़ते हैं कि ये आपकी मेंबर आईडी हो गई, ये आपकी कंपनी का नाम हो गया। ये कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपको जहाँ भी मेंशन करना होगा अगर, तो वहाँ पे ये मेंबर आईडी मेंशन करनी होती है।
आपने कब कंपनी ज्वाइन की है, कब कंपनी में रिजाइन दिया है, ये वो चीज होती है। डेट ऑफ जर्नी ईपीएस एक चीज होती है जो आपको अभी फिलहाल समझने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना समझिए कि ये आपकी ज्वाइनिंग डेट हो गई, ये आपकी रिजाइन डेट, ठीक है, इतना आप समझ गए। अगर मान लीजिए आपने एक से ज्यादा कंपनियों में काम किया होगा तो इसी तरह से सीरियल नंबर बन के 3, 4, 5, यहाँ पे मैक्सिमम 5 नंबर तक आता है। अगर आप मान लीजिए और 5 से ज्यादा कंपनियों में काम किया हो तो जैसे यहाँ page 1 आ रहा है तो आगे आपको page 2 नजर आ जाएगा। नॉर्मल सी चीज है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आपके लिए, ये वेबसाइट नई हो सकती है आपके लिए, ठीक है। ये हमने देख लिया, ओके वेरी गुड। तो अब हम कहाँ चलेंगे, अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर और क्या हमारी डिटेल्स पड़ी हुई हैं। तो और डिटेल्स देखने के लिए हमें जाना होता है प्रोफाइल में। प्रोफाइल के अंदर हम देखते हैं कि उन्होंने क्या हमारी फोटो लगा रखी है। तो फोटो वगैरह तो कोई लगाता नहीं जनरली एम्प्लॉयर, तो आप यहाँ पे खुद का अपना प्रोफाइल फोटो अपडेट कर सकते हैं। जैसे पासपोर्ट साइज फोटो होती है वो आप अपडेट कर सकते हैं। साथ में ही जो आपको नीचे नजर आ रही है ये सभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। पीएफ निकालने में इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप अपना प्रोफाइल अप टू डेट रखना चाहें तो आप निश्चित तौर पर अपनी क्वालिफिकेशन, मैरिटल स्टेटस, परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, ये सभी चीज़ें आप अपडेट कर सकते हैं। इससे आपका प्रोफाइल कंप्लीट होता है, इतना आप समझ गए। अब मैं आपको मेन पॉइंट पे लेके चलता हूँ, जो है कि अगर आपको अपनी केवाईसी करनी है तो केवाईसी आपका होना चाहिए ताकि आप अपना पीएफ वगैरह निकाल सकें। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, इसके लिए हम मैनेज पे जाएंगे। ये चीज़ें हमने देख ली हैं, अब हम मैनेज पे जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हमें क्या करना है, हमारा बैंक और पैन अपडेट नहीं है, ये हमें अपडेट करना जरूरी है, तभी हम अपना पीएफ वगैरह विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, मैनेज पे जाएंगे, केवाईसी पे जाएंगे। और अब आप यहाँ देख रहे हैं कि फिलहाल यहाँ पे हमारे पास एक्टिव केवाईसी के अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या अपडेट करना है, यहाँ हमें बैंक अपडेट करना है और पैन नंबर अपडेट करना है। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स बहुत जरूरी होती है जो आपको अपडेट करना है, पासपोर्ट अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें आपको कैसे अपडेट करनी होती हैं, इसके लिए आप मेरी अगली वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हमने अपना यूएन एक्टिवेट प्रॉपर तरीके से सीख लिया है कि हम कैसे एक्टिवेट करते हैं और प्रोफाइल खोलने के बाद क्या क्या कंपोनेंट्स हमें चेक करने होते हैं। तो अगली वीडियो आप ज़रूर देखिए, जिसमें आपको बताया जाएगा कि केवाईसी आप कैसे अपडेट करते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो प्लेलिस्ट पे जाइए, कंप्लीट जानकारी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। और साथ में अगर आप पर्सनल कंसल्ट करना चाहें, अगर आपकी टाइम की ज़्यादा वैल्यू हो तो आप यहाँ पे अपना यूट्यूब पे दिमाग मत फोड़िए, आप सीधे तौर पे एक्सपर्ट हायर कीजिए और एक्सपर्ट की एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी भरी वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।